स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गोंदिया जिला के विकास के लिए 129 करोड़ के अतिरिक्त मांग। गोंदिया जिला विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे जिला नियोजन समिति के 129 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त मांग पालक मंत्री राजकुमार बड़ोले ने राज्य समिति की बैठक में की। बढ़ती निधि देने के संदर्भ में अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार तिवारी इन्होंने सकारात्मकता दिखाई। आरोग्य सुविधा, शिक्षण, आंगनवाड़ी सक्षमीकरण व रोजगार संधि निर्माण करने को प्राधान्य देने की सूचनाएं अर्थ मंत्री इन्होंने दी। नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय में आज नियोजन के राज्य स्तरीय बैठक के आयोजन अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनकी अध्यक्षता में करने में आया था। पालक मंत्री राजकुमार बड़ोले, अर्थ राज्य मंत्री दीपक केसरकर, जिला परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार मधुकर कुकड़े, आमदार गोपाल दास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, जिला अधिकारी डॉक्टर कादंबरी बलकवड़े, अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सन 2019-20 के आर्थिक वर्षों के लिए 234 करोड़ 46 लाख रुपयों का प्रस्ताव रखे थे। शासन के 105 कोटि 27 लाख रुपयों की सीमा बताई थी। अतिरिक्त मांगों में प्रमुख कृषि व संलग्न सेवा, ग्राम विकास कार्यक्रम, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाट बंधारे व पूर्ण नियंत्रण, ऊर्जा विकास, परिवहन, रस्ते व पुल, सामान्य सेवा व आर्थिक सेवाओं का समावेश है। शासन ने जो करार किया है उससे बढ़कर 129 करोड़ की मांग की है। जिला में पैदल रस्ते के लिए 4.50 करोड़ देने की अर्थ मंत्री ने कबूल किया है। जिला में रोजगार की संधि निर्माण करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाना चाहिए, ऐसा अर्थ मंत्री इन्होंने कहा। मत्स्य पालन, कौशल्य विकास, रेशम उत्पादन, बचत गट का सक्षमीकरण, ऐसी बातों को मान्यता मिलनी चाहिए। प्रत्येक तालुका में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए नियोजन करने की सूचना उन्होंने दी। तो देखते रहिए खास खबर MNS दुर्गा के साथ आज ही प्रेस। MNS दुर्गा की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।